हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि टेंड टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम टेंड टू का कब यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है क्योंकि हमें अपने डेली लाइफ में इस टॉपिक का यूज करना ही होता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि टेंड टू क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, वर्ड टेंड टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी इंसान की फितरत को बताना हो, यानी जब हमको कहना हो कि यह उस इंसान की फितरत है या उसकी स्वभाव है या उसकी प्रवृत्ति है, तो हम टेंड टू का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो शक करना बीवियों की फितरत होती है या क्वेश्चन करना मेरी बीवी की फितरत है, ताक झाक करना कुछ औरतों की फितरत होती है या चुगली करना उसकी फितरत है, दूसरों पर हंसना उन लोगों की फितरत है, मोल भाव करना उन लोगों की फितरत है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कोई काम किसी का फितरत है या किसी का स्वभाव है, किसी की प्रवृत्ति है, तो हम टेंड टू का यूज करते हैं। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। जब कभी भी मैं ऑफिस से लेट घर आता हूँ तो मेरी बीबी मुझ पर डाउट करती है और वह मुझसे क्वेश्चन करती है कि इतनी देर कहाँ थे, तो मैं कह सकता हूँ माई वाइफ टेंड्स टू डाउट, यानी मेरी वाइफ को शक करने की फितरत है या शक करने की स्वभाव है। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो मेरी बीबी को क्वेश्चन करने की फितरत है तो मैं कहूंगा माई वाइफ टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसे चुगली करने की फितरत है तो आप कहेंगे सी टेंड्स टू स्लैंडर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो दूसरों पर हंसना उनकी फितरत है तो आप कहेंगे दे टेंड टू लाफ एट अदर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो ताक झाक करना उनकी फितरत है या ताक झाक करना उन लोगों की स्वभाव है तो आप कहेंगे दे टेंड टू पीप। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मोल भाव करना उसकी फितरत है तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू बार्गेन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो झूठ बोलना उसकी फितरत है तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू टेल अ लाई। अगर आपको कहना हो धोखाधड़ी करना उसकी फितरत है तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू चीट। अगर आपको कहना हो लोगों को गुमराह करना उसकी फितरत है तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू मिसगाइड पीपल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बहानाबाजी करना उसकी फितरत है तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू प्रिटेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि जब कभी भी आपको ये कहना हो कि कोई चीज किसी इंसान की फितरत है या उसकी स्वभाव है या उसकी प्रवृत्ति है तो आप टेंड टू का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वर्ड टेंड टू का यूज बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है यू टेंड टू शेयर माई वीडियो, तो क्या बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।